ये जैसे आइसक्रीम है ना, देखो मतलब जैसे को इसके ऊपर किसी ने आइसक्रीम रखी हुई है। साथ आ रहे हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने वाले हैं, तो वो अभी हम ब्रेकफास्ट अभी आपको हम दिखाने वाले हैं आधे। तो फाइनली गाइज, आपके भाई ने जो है रात को कैंपिंग की है, यहाँ हम सोए हुए थे, अभी थोड़ी सी सफाई हो गई, अभी 7:30 है यानी 7:30 है। अस्सलामुअलैकुम गाइज, कैसे हैं आप, आदाब, खैरियत से होंगे, आई होप सभी अच्छे से और बढ़िया में होंगे। इतना रश हो गया है, ये देखिए कहाँ कहाँ टेंट लगे हैं गाइज। तो गाइज ये है साहिल भाई, इसको भेजा था हमने पानी लाने, क्योंकि पानी की यहाँ पे किल्लत है। बड़ा वो क्या बात है, जेब में लेके आया, टूट जाएंगे वो अंडे आगे। थोड़ा सा ब्रश वगैरह करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं धुंध ऐसे चल रही है, इतनी स्पीड में, इतनी ठंडी, जैसे फ्रीजर अभी खोला हुआ है। तो भाई को हो गया था स्लिप, बच गया यार। ये जा रहे हैं आगे की ओर का दृश्य बोलते हैं, जो वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए और ये धुंध देखिए गाइज, देख रहे हो, ये याकूब भाई रहे यहाँ पे। तो चलो अभी के टाइम पे ये भी ब्रश कर रहे हैं। एंड बाय द वे मैं आपको तब तक ये लोकेशन दिखा दूँ एक बार अच्छे से, ये चेक मारो गाइस। अबे आपको पता ही है, आगे पीछे तो मैं ऑडियंस को पता क्या बोलता हूँ याकूब भाई, मैं इनको यही बोलता हूँ कि यार मैं हेलमेट वेयर करता हूँ, आपको पता है हम हेलमेट वेयर करते हैं तो बालों की हालत आपको पता क्या हो जाती। सो आज क्या बहाना चलेगा, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। मगर इसको अच्छे से देखो यार, ये देखो, ये जैसे आइसक्रीम है ना, देखो मतलब जैसे को इसके ऊपर किसी ने आइसक्रीम रखी हुई है, चेक इट आउट गाइज। तो अभी जो है आदिल भाई और मैं स्पेशली ब्रेकफास्ट तैयार करने वाले हैं, ने जो है पहुंचने वाले हैं। भाई साहब क्या बना रहे हो? गर्म कर रहे हैं शाम का खाना। चलो जी कैंप के पास, तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, और मैं आपको क्राउड एक बार दिखाता हूँ अपने पीछे, देखिए कितना ज़्यादा रश है इस तरफ। और ये आदिल भाई, तो गाइज हम कैंपिंग करने वाले हैं बाहर, अभी अपनी जो है ब्रेकफास्ट तैयार करने वाले हैं। ये भाई अभी जो है इसको डाले बैठे हैं। और कौन है तेरे साथ? मुझे क्या पता, मैंने सोचा वो कहाँ है। नाइस, ये भी आना चाहिए। देख सकते हो आप, हाँ अभी वालेकुम सलाम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, हाँ हाँ लाल रमन, मज़ा ही मज़ा। चल कोई नहीं, मैं करूँगा बाद में फ़ोन, मुझे बैटरी कम है भाई, मुँह से बोलता है इंसान, अब इंसान वो खजर। अच्छा,
तो चल जाता होगा ढाई घंटे, ऐसे साढ़े तीन घंटे, एक दिन का नाइट स्टे निकल जाएगा। दो सिलेंडर आपके होने चाहिए, दो सिलेंडर दो सिलेंडर और 700-800 रुपये का ये आता है सर, क्योंकि हमारे पास बैटरी है ना, स्टोरेज कम है। एक बार बोल यही बना है, एक से यही और क्या, इसको सारे में फीलिंग की नहीं है। ओ भाई चेक मारो, जैसे भाई चेक मारो, ये देखो कितनी सारी भीड़ आ रहे हैं यहाँ से हमारे टेंट के साइड से। एंड ये आपने याकूब भाई को देख रहे हो, ये लास्ट वाला मेरे ख्याल से बन रहा है अभी के टाइम पे। दिस इज लास्ट वन, ये लास्ट वाला रेडी हो रहा है, इसके बाद हम मैगी थोड़ा सा रेडी कर देते हैं। हमने एक और बंदे को भेजा था यार, दूध नहीं है हमारे पास, दिक्कत होगी यार। चेक इट आउट भाई, ये देखो भाई, आराम से चेक करो गाइस, ये देखो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। बंदे इतने छोटे छोटे दिख रहे होंगे, इतने ज्यादा बड़े नहीं दिख रहे होंगे आपको, जैसे कीड़े दिख रहे हैं भाई इतने छोटे। ओ भाई दूध लेके आ गया है, काफी मुश्किल काफी। तो भाई चलो फिलहाल एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो गाइस चाय तैयार हो रही है, हो गई है लगभग, ये देखिए। और क्या हमारा ब्रेड ऑमलेट, मेरी शॉर्ट होती है चेंज, मैं कहीं इंजन में शॉर्ट से नहीं करती यार। गाइस चाय पी लेते हैं फिलहाल, फिलहाल चाय को चेक करेंगे, चेक करेंगे। आहा अब इस पहाड़ पर लोग ना आपका भाई जो है अभी आराम कर रहा है, रात को जो है 2-2.5 बजे सोए थे, अभी जो है हमने चाय पी है, आमलेट का टोस्ट बनाकर खाया, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट किया। अब देखते हैं कहीं और जाएंगे कैंपिंग करने, कहीं जंगल की और, जहाँ पे हम चिकन वगैरह बनाए। तो अभी जो है यहाँ पे काफ़ी क्राउड हो गया है, सुबह तो इतना रश नहीं था लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा रश है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, तो अब जो है हम अपना टेंट यहाँ पे ही क्लोज करने वाले हैं। तो आगे जाके अब जो है नेक्स्ट व्लॉग जो हमारा आएगा उसमें हम करने वाले हैं थोड़ा सा जंगल में जाने वाले, और जहाँ पे जो है हम अपना खाना वगैरह बनाएंगे और खाना शाना बनाते हैं कहीं जंगल में, चिकन वगैरह। गाइस अब ना हमारा प्लान हो रहा है, यहाँ से हम जाने वाले हैं पीछे जंगल में, तो देखेंगे वहाँ पे भी कैंपिंग करके, बिकॉज यहाँ पे तो हमने अच्छे से एंजॉय कर लिया। एंड अभी के टाइम पे निकलेंगे यहाँ से, अपने पूरे कैंप को क्लोज कर देंगे, जितना भी सामान है सबको क्लोज सब क्लोज होने वाला और निकलने वाला है हम इस तरफ जंगल में। उसके बाद देखते हैं फिर जो एक मारो यहाँ पे, देखो अपने वाला जो टेंट है पूरे का पूरा अभी फोल्ड, चारों तरफ मतलब लोग ही लोग हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है कि क्या ही बताओ आप सबको, आप सब देख ही सकते हो भाई साहब। एंड बाकी का अपना वाला टेंट भी फोल्ड हो चुका है, सो चलो। तो ये